हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप डिमांड एंड सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने का ईजीएस्ट मेथड आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू अगर कोई बिगिनर बंदा भी होगा तो वो भी आसानी से डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई कर पाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो देखी है और उन वीडियो को देख करके कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई जोन जैसे इजी मेथड को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताया है कि एंड यूज़र उस कॉम्प्लिसिटी में फंस करके डिमांड एंड सप्लाई जोन को प्रॉपर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता है। बट फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पीडी लाइट इंडस्ट्रीज़ का चार्ट लगा हुआ है। टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो आपको डे टाइम फ्रेम लेना है। डे टाइम फ्रेम लेने के साथ में आप चार्ट जितना बड़ा देख सकें, जितना वाइड चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, पिछले 7 से 8 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रहे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, जहाँ पर आपका प्राइस खड़ा है, ये आपका प्राइस खड़ा है अभी 1794 रुपये, 1794 रुपीज़ के आसपास आपका प्राइस खड़ा है, तो वहाँ से आपको देखना है लेटेस्ट स्विंग कौन सा था। मतलब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है या फिर जो लास्ट स्विंग था, पहले नीचे आ रहा था प्राइस और नीचे से ऊपर की तरफ गया है। तो इस केस में आप क्लियर देख पा रहे हैं, इस केस में आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा लेटेस्ट स्विंग है। प्राइस पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस शेयर में यहाँ से बाइंग आई और प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो हमें जो लेटेस्ट स्विंग है पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो हमें हमारा लेटेस्ट स्विंग मिल गया, ये यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर लेनी है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर ली। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लेफ्ट साइड की तरफ देखना है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर या नीचे और कौन कौन से सपोर्टिंग एरिया बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें लेफ्ट साइड में, तो एक सपोर्टिंग एरिया ये वाला बन रहा है। ठीक है, इसकी भी हम मार्किंग कर लेते हैं। एक सपोर्टिंग एरिया हमारा ये मिल गया। इसके बाद हम और पीछे देखते हैं, इस लाइन के आसपास दूसरा सपोर्टिंग एरिया और कोई मिल रहा है क्या, ये एक हमें और मिल रहा है। बिकॉज़ आप जानते होंगे कि ये पहले रेजिस्टेंस था एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब ये लेवल एक बार क्रॉस हो जाता है और प्राइस वापस ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो जो एरिया रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये एरिया हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। यहाँ पर भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर लेनी है। तो यहाँ एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देता हूँ। अब ये दोनों मिल करके आपका एक सपोर्ट जोन बन रहे हैं। देखिए कितना इजी मेथड है, बट इसको कॉम्प्लिकेटेड करके डिस्क्राइब किया जाता है। अब आपको इन दोनों को मिला करके एक बॉक्स बना देना है। दिस इज योर डिमांड जोन, ये आपका डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। ठीक इसी प्रकार से हम सप्लाई जोन को भी आइडेंटिफाई करेंगे। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। देखिए ये आपका डिमांड जोन क्रिएट हो गया। अब हम सप्लाई जोन की बात करते हैं। सप्लाई जोन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर हमारा प्राइस खड़ा हुआ है। प्राइस से हम लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे कि अब भाई हमारा प्राइस कहाँ से रिवर्ट होकर के आया है। इस प्राइस के ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो ये वाला एक लेवल मिल रहा है। इस लेवल पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देंगे। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नियर बाई में हम देखेंगे कि कौन सा और ऐसा एरिया है जहाँ से प्राइस पहले रिवर्ट होकर के गया है। तो ये वाला एरिया देखिए आप, ये जो वीक बनी हुई है यहाँ से भी प्राइस रिवर्ट होकर के गया है। ये दो हमें पॉइंट मिल गए। इन दोनों को मिला करके हम एक बॉक्स में डाल देंगे। डिमांड एंड सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बशर्ते आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपका सप्लाई जोन हो गया। और अभी करंट रेट अगर आप देखें तो ये शेयर जो है अपने सप्लाई जोन से ही रिवर्सल ले रहा है। यहाँ से इसमें सेलिंग आ रही है, यहाँ से ही रिवर्सल ले रहा है। तो ये आपका एक जोन बन गया, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। एक दो और स्टॉक हम देख लेते हैं। अगला स्टॉक हम देख लेते हैं बर्जर पेंट का। बर्जर पेंट में भी आप देखेंगे टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हमें सपोर्ट एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा प्राइस खड़ा हुआ है। प्राइस किस लेवल पर खड़ा है, 741 के लेवल पर खड़ा हुआ है। 741 से हम लेफ्ट साइड देखेंगे कि भाई लास्ट स्विंग हमें कहाँ से मिला है। लास्ट स्विंग कहाँ से मिला है, यहाँ से। ये वाला एरिया हमारा लास्ट स्विंग है। मेरे कर्सर पर फोकस करिए, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा था, यहाँ तक प्राइस नीचे गिर रहा था। एंड ये वाला जो लेवल है आपका, यहाँ से
690 रुपये, 690 से फिर बाइंग आनी चालू हुई है। तो एक लेवल हमें ये मिल गया। आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के हम नियर बाई में देखेंगे कि भाई और कौन कौन से लेवल हैं जहाँ से बाइंग आई है। तो ये एक लेवल ये वाला भी दिख रहा है, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद एक लेवल ये भी दिख रहा है आपको, इसकी भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर तीन लेवल मिल चुके हैं, इन तीनों को उठा करके हम एक बॉक्स में डाल देंगे। ये हमारा क्या बन गया, डिमांड जोन बन गया। दिस इज अवर डिमांड जोन। तो बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, चीज़ों को सिंपल रखिए तो आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। एंड अब हम यहाँ से हम सप्लाई जोन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्राइस खड़ा हुआ है, प्राइस से ऊपर की तरफ देखिए कहाँ से प्राइस रिवर्ट हुआ था। एक ये लेवल मिल गया हमें, लास्ट स्विंग देखना है बस आपको। अब इस ये जो लास्ट स्विंग मिला इसके नियर बाई में देखिए, नियर बाई में और कहाँ कहाँ से प्राइस जो है रिवर्ट हुआ था। तो ये एक लेवल मिल गया आपको, जो लेवल ज़्यादा दूर हो उसको बॉक्स में शामिल नहीं करना है, ठीक है। और इसके और नियर बाई में देखिए, ये एक लेवल और मिल गया हमें। तो इन दोनों को, जो नियर बाई में लेवल है, इन दोनों को उठा करके हम एक बॉक्स में डाल सकते हैं। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। और अभी आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं, बर्जर पेंट के अपने सप्लाई जोन से ही रिवर्ट हो रहा है ये। तो ये अब आपकी रेंज बन गई, इसमें आराम से ट्रेड करते रहिए आप। एंड ये वाला जो लेवल है, ऊपर वाला लेवल, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस होगा। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस होगा। तो सभी को बॉक्स में शामिल नहीं करना है। अगर इस प्रकार से आप एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे तो ये काफ़ी बड़ा एरिया बन जाएगा, वो आपका सेकंड रेजिस्टेंस होगा। एक आधा स्टॉक्स और देख लेते हैं हम, वीडियो लंबी हो रही है। अंबुजा सीमेंट का स्टॉक्स देख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि अंबुजा सीमेंट का जो स्टॉक है ये ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप सपोर्ट तो आइए आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स का रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये भी अगर आप सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो इस प्रकार के स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पर बैठे हुए हैं और गलती से आप ऐसे स्टॉक्स को सेल करके बैठे हुए हैं और आपका लॉस हो रहा है, अब आप जानना चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा, कहाँ पर जाकर कि ये रैली रुकेगी, कहाँ पर इसकी रुकने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ये सीखना चाहते हैं, इस पर एक वीडियो चाहते हैं, तो मेरी इस करंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको उस पर भी एक वीडियो बना करके दूंगा। अभी हम अंबुजा सीमेंट का सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस खड़ा हुआ है 303 के लेवल पर, और यहाँ से जो हमें लास्ट स्विंग मिला है, ये हमारा लास्ट स्विंग है, इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। लास्ट स्विंग की मार्किंग करने के बाद इसके नियर बाई में देखिए कौन कौन से लेवल है जहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिला हुआ है। एक लेवल ये है जहाँ से हमें रिवर्सल मिला था, तो इन दोनों को हम एक बॉक्स में डाल देंगे। ये हमारा पूरा क्या बन गया, डिमांड जोन बन गया। अब ये ऑल टाइम हाई पर भाग रहा है, तो इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था, ये वाला जो एरिया था, ये पहले एक रेजिस्टेंस था, इसकी मार्किंग कर लीजिए आप। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, यहाँ से स्टॉक गिरेगा तो ये वाला जो एरिया है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, राइट। आप इसको भी एक जोन में भी ले सकते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है, इन दोनों को पकड़ करके आप एक जोन में रख सकते हैं। तो ये दोनों लेवल जो है इसके लिए अभी सपोर्ट का काम करेंगे, बट अब आप इसका रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर ये सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए, मैं डेफिनेटली इस पर भी आपको वीडियो बना करके दूंगा। तो आई होप आज हमने तीन स्टॉक्स के बारे में बात किया है, पीडीलाइट, बर्जर पेंट एंड अंबुजा सीमेंट, जिस पर मैंने आपको सपोर्ट लेवल एंड डिमांड लेवल एंड सप्लाई जोन के बारे में बताया है। ये वीडियो आपको बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।